साग है बोला के न्यू एपिसोड में वापस। तो गाइस 27 मार्च आज, और बोला के रिलेटेड हमारा ये थर्ड एपिसोड है एडवांस बुकिंग के रिलेटेड। इसकी एडवांस बुकिंग है वो कितनी हो चुकी है, तो सबसे पहले इसकी एडवांस बुकिंग बताते हैं। देखो गाइस, मेरे पास जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया, सबसे पहले टूडे की बात करूँ वो हो चुकी है इसकी लगभग बोल सकते हो कि 54 लाख की। अगर मैं 3D की बात करूँ तो 1.59 करोड़ की हो चुकी है। जी हाँ, 1 करोड़ 59 लाख की हो चुकी है भाई। एवरेज टिकट प्राइस तो मैंने बताया था सभी को, लगभग 260 के आसपास चल रहा है 3D का। भाई आईमैक्स 3D की बात करूँ गाइस तो भाई 11.5 लाख, ये मैंने सभी को मारने में बताया भी था। भाई 4DX की बात करूं तो 8.5 लाख के आसपास एडवांस बुकिंग हो चुकी है। भाई 439 के आसपास इसका एवरेज टिकट्स प्राइस चल रहा है। टोटल की बात करूं गाइस 2.32 करोड़ की एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है इसकी विद ब्लॉक सीट्स। जी हाँ, इसमें ब्लॉक सीट्स ऐड है, जितना मैंने ऊपर डाटा बताया आपको, 2D 3D 4DX हो गया, आईमैक्स 3D, नॉर्मल 3D हो गया, ये सब के सब विद ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग है। और वही टोटल मैंने बताया 2.32 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग है वो अभी तक हो चुकी है विद ब्लॉक सीट्स। अगर मैं विदाउट ब्लॉक सीट्स की बात करूँ गाइज तो हो चुकी है लगभग 46,19,850। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लो, 46,19,850 अभी तक इसकी विदाउट ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है। यानी कि 47 लाख से ज़्यादा विदाउट ब्लॉक सीट एडवांस बुकिंग वो हो चुकी है इसकी गाइस। शोज मैंने बताए थे 3D के लगभग 2500 से ज़्यादा है भाई, 2D के 800 से ज़्यादा शोज हैं भाई, 60-70 शोज इसके आईमैक्स 3D एंड 60-70 शोज इसके 4DX के हैं। देखो गाइज, अभी की बात करें तो एडवांस बुकिंग मेरे को पता नहीं थोड़े कम लग रही है, थोड़ी मेरे को ज़्यादा उम्मीद थी या फिर मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था इसके बारे में मुझे ऐसा वैसा कर लेगी। देखो गाइज, विदाउट ब्लॉक सीट सबसे पहले अभी के टाइम में जो मुझे फर्स्ट डे के लग रहा है मूवी कितना क्रॉशन कर सकती है डे 1 में। देखो, अगर जो मैंने विदाउट ब्लॉक सीट्स आपको 46 लाख के आसपास बताई, अगर ये मान के चलो कि आप 3-3.5 करोड़ के आसपास जाती है विदाउट ब्लॉक सीट्स जो मैंने अभी 46 लाख आप सभी को बताई, तो यानी मूवी 13-15 करोड़ के बीच में तब जाके ये ओपनिंग लेगी। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लो, जो मैंने 46 लाख आपको विदाउट ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग बताई, अगर ये 3-3.5 करोड़ तक जाएगी तभी ये मूवी 13-15 करोड़ के बीच में एडवांस बुकिंग लेगी। और हम ये सभी जानते हैं इससे कई गुना से ज़्यादा एडवांस बुकिंग करे एंड इससे मतलब 20 करोड़ प्लस ज़्यादा ज़्यादा ये ओपनिंग ले, बट मैंने बताया आपको काफ़ी डिफिकल्ट रहने वाला है इसके लिए, लगभग 5 करोड़ विदाउट ब्लॉक सीट्स लेगी ये एडवांस बुकिंग, तभी ये 20 से लेके 25 करोड़ के बीच में अपने डे 1 में क्रॉशन कर पाएगी। बाकी गाइस, जैसे जैसे इसकी डेट क्लोज आएगी पता चलता मतलब चलता जाएगा कि मूवी कितना क्रॉशन कर सकती है अपने डे 1 में। बाकी आप सभी मुझे अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपके हिसाब से ये मूवी अपने डे 1 में कितना क्रॉशन कर सकती है। बाकी गाइस, इसके रिलेटेड बात करूँ, बाकी देखा जाए तो इसका प्रमोशन भी काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के अभी चल जस्ट कितना मुझे दिख रहा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे देखा कि इसके जो पोस्टर हैं वो ऑटो पे लगाए गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं कुछ कुछ मतलब शहरों में, बड़े बड़े सिटी में, और भी मतलब जो अजय देवगन के फैंस हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस मूवी को सुपर हिट ब्लॉकबस्टर होने में। और साथ में मैंने बताया भी था पहले भी कि SRK के जो फैंस हैं वो भी बोल सकते हो कि बोला के साथ हैं, मतलब अजय देवगन के जो फैंस हैं उनके साथ हैं एंड अजय देवगन के भी साथ हैं, वो भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं अभी के टाइम बोला मूवी को। तो अब देखने वाली बात हो कि मूवी कहां तक पहुंचती है, कितना बॉक्स ऑफिस में धमाका करती है, तो बाकी देखते हैं गाइस क्या करती है। बाकी अपना जो भी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस, अब भी के लिए इतना है। बाकी इसका 4th एपिसोड आएगा एडवांस बुकिंग के रिलेटेड शाम यानी इवनिंग के टाइम में, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।